देखिए, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का जाति जनगणना को लेकर स्टैंड बहुत क्लियर है। इस मुल्क में आदिवासी, ओबीसी, दलित, डीएनटीज, जनरल किसकी कितनी आबादी है वो जानने का पूरा अधिकार है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि जाति जनगणना इसलिए भी होनी चाहिए कि पता चले कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज, डीएनटीज यदि 85% है तो क्या हिंदुस्तान की 85% लैंड उनके पास है, क्या बजट का 85% हिस्सा उनके पास पहुंचता है, ये जो पीस ऑफ केक है वो किसके हिस्से में कितना जाता है, संसाधनों का बंटवारा अब तक किसके बीच में किस प्रकार से हुआ है, वो तमाम जानना है तो जाति जनगणना होनी चाहिए। आरएसएस को जब ग्राउंड जीरो से ये फीडबैक मिला कि इस मुद्दे पर स्टैंड नहीं लेने से या उसके खिलाफ स्टैंड लेने से भाजपा को पॉलिटिकल नुकसान है, तब जाके आरएसएस वाले बोले हैं। अदरवाइज उनकी आइडियोलॉजी तो मनुस्मृति है और मनुस्मृति चाहती है कि कुछ तथाकथित अपर कास्ट के लोग ही सारी सत्ता और संसाधनों में कब्जा बनाए रखे। तो आरएसएस का ये कहना आईवॉश है, छलावा है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी और हम लोग ईमानदारी से जाति जनगणना के मुद्दे पर खड़े और जाति जनगणना आने वाले दिवसों में हम करवा के रहेंगे। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है सर, क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, उसकी तैयारी एक ही है कि जिस स्टेट में चुनाव है वहां की जनता की जो एस्पिरेशन है, वहां का जो मिडिल क्लास है, वहां की महिला है, वहां के किसान है, मजदूर है, बेरोजगार युवा है, उनकी जो एस्पिरेशन है उसकी बात करना, उनके मुद्दों के लिए खड़ा रहना और जब सत्ता में काबिज हो, जब सत्ता मिले तब उनके लिए अच्छी नीति और योजनाएं बनाएं।